जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बीबी ने दतूरा स्नेक को मार दिया है और अब तांग्या ने फाइनली उसकी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब कर ली है। यू हाओ और बीबी बहुत सारी बातें भी करते हैं, जिसमें यू हाओ को पता चल जाता है कि तांग्या तांग सेक्ट की सेक्ट मास्टर है और बेशक उसकी मार्शल सोल ब्लू सिल्वर प्लांट है, लेकिन जीक और तांग शेंग के लेवल तक पहुंचने में उसे अभी बहुत समय है और इनमें बहुत अंतर है। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लेकिन यू हाओ बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा सोल पार का यूज कर लिया था, इसलिए वो उसे नीचे बैठा देता है और बीबी उसे अब हील करने लगता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आगे तांग्या को देखता है। अब बीबी उससे उसकी मार्शल सोल के बारे में पूछता है तो यू हाओ उसे बताता है कि उसकी मार्शल सोल एक म्यूटेटेड सोल है जो कि की नाइस है और ये एक स्पिरिचुअल टाइप सोल है। अब तांग्या उससे कहती है कि तुम हमारे साथ रह सकते हो और हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जिसे सुनकर यू हाओ काफी खुश हो जाता है। दरअसल तांग्या ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे यू हाओ की कुकिंग स्किल्स काफी पसंद आती हैं। लेकिन तभी बीबी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो यू हाओ कहता है कि उसका कोई नहीं है, वो इस दुनिया में अकेला ही है, जिसे सुनकर तांग्या उससे उनका सेक्ट ज्वाइन करने को कहती है। वो यू हाओ को बताती है कि हमारा सेक्ट दोनों कॉन्टिनेंट का नंबर वन सेक्ट है और हमारे सेक्ट के पास ऐसी टेक्निक है जो तुम्हें काफी सूट करती है और हमारा सेक्ट द तांग सेक्ट है। वो उसे बताती है कि तांग सेक्ट को तांग शान ने बनाया था और उन्होंने फ्यूचर सोल मास्टर्स को नई दिशा दिखाई थी और उन्हीं के सॉलिड फाउंडेशन और टीचिंग्स के कारण हम 4000 साल पहले सन मून कॉन्टिनेंट से लड़ पाए थे और पूरे लैंड को यूनिफाई कर सके थे। माना कि अब तांग सेक्ट डिक्लाइनिंग पोजीशन में है, लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसी टेक्निक्स हैं जो और किसी के पास नहीं है। वो उसे तांग सेक्ट की ही बनाई हुई टेक्निक्स भी सिखाने का वादा करती है, जैसे घोस्टली ट्रेस, डेविल पर्पल आइज, जुआन यूज हान, ये सब जुआन थियान रिकॉर्ड्स है और ये अभी तक तांग सेक्ट के पास है जो तांग शांग ने बनाए थे। फिर वो उसे ये भी बताती है कि तांग सेक्ट में बस अब मैं और बीबी ही बचे हैं और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब तांग सेक्ट को उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। वो उसे ये भी बताती है कि श्रेक एकेडमी, जो कि सबसे ताकतवर एकेडमी है, वो तांग सेक्ट से जुड़ी है, तो तांग सेक्ट को हर साल एक VIP सीट मिलती है जिससे वो किसी का भी एडमिशन श्रेक एकेडमी में करा सकते हैं। ये सब सुनकर यू हाओ तांग सेक्ट को ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है और फिर तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब वो सब जंगल में आगे बढ़ते हैं और रास्ते में मछलियाँ पकड़ते हैं। बीबी अपनी पावर का यूज करके एक ही बार में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और अब ये तीनों उन मछलियों को पकाने लगते हैं। लेकिन तांग्या, जो कि कुकिंग में बहुत बुरी थी, वो अपनी मछली जला देती है, इसलिए यू हाओ उसे अपनी फिश देता है ये कहकर कि उसके पास बहुत सारी हैं। वो तीनों जंगल में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और अब बीबी खाने के बाद उसे पर्पल जेमिनी, जुआन यू हैंड्स और घोस्टली ट्रीज टेक्निक दिखाता है और फिर सीक्रेट वेपन का यूज करना भी बताता है। फिर वो ड्रैगन कैचर क्लॉ का यूज करता है और यू हाओ ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड है और अब बीबी उसे ये सब सिखाने लगता है, लेकिन उसकी बॉडी अभी बहुत कमजोर है, इसकी वजह से वो अच्छे से नहीं सीख पा रहा था। अब ऐसे चलते चलते उन्हें कई दिन लग जाते हैं और उनमें अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। बीबी यू हाओ की पूरी मदद कर रहा है, उसको हील करने में, कल्टिवेट करवाने में और उसको स्ट्रांग बनाने में। बीबी नोटिस करता है कि यू हाओ की मेरिडियंस बहुत नारो और थिन है और अंदर बहुत चीजें गड़बड़ है। इसकी मेरिडियंस में इसके पास जो फिजिकल टैलेंट है वो तो एकदम बेकार है, लेकिन फिर भी वो तीनों आगे चल रहे हैं और काफी खुश है। वो अलग अलग रास्तों से होते हुए श्रेक सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं और तांग्या यू हाओ को बताती है कि यहाँ वर्ल्ड का नंबर वन एकेडमी, जिसका नाम श्रेक एकेडमी है, वो यहाँ पर है, जो अभी श्रेक एकेडमी में एडमिशन पा लेता है। वो ताकतवरों का भी ताकतवर बनता है। यही वो जगह है जहाँ बड़े बड़े लोग पढ़कर निकले हैं। यू हाओ इसको देखकर बहुत खुश है कि उसकी सोल मास्टर बनने की जर्नी अब शुरू हो गई है।